यहाँ पर से शुरू होती है फूल मार्केट। गाइस दादर स्टेशन पे पहुंचे हम लोग, और जैसे कि शबे बारात के दिन फूलों का डिमांड ज़्यादा होता है, तो समझ जाओ वही चीज़ है, सब्जा, सब्जे की खुशबू सबसे ज़्यादा होती है। हाँ सब्जा इधर है। आ रहे अंकल वापस आ रहे, कैसा दे रहे? 100 रुपया। 100 रुपया मोगरा खुशबू देख। सब्जा तुलसी, हाँ उधर है ना, इधर पे भी है। क्या दे रहे हो, कितने का? सामने सामने हाँ, कितने का दे रहे हो ये? 20 रुपए। मतलब वो 10 का एक, ठीक है। आ रहे हैं अंकल वापस थैला लेके, जंबो थैला लेकर आता हूँ। हाँ हाँ जंबो थैला ना, रुको ले रहा हूँ आ रहा हूँ वापस, आ रहा हूँ। ओह है ना मजा ना। हाँ सही में सब्जी की खुशबू सबसे ज़्यादा। फिर ये देखो मोगरा इधर पे चालू है, और अभी हम लोग क्या क्या लेने वाले। मैं गुलाब लेने वाला हूँ और मिक्स फूल भी लेना है। पहले मार्केट की भीड़ देख लो आप लोग, तो एकदम खुशबू ही खुशबू चारों तरफ महकती हुई। थोड़ा सा मैं रेट भी बताऊँगा आप लोगों को, और मतलब वैरायटी रहती ना हर चीज़ की, क्वालिटी वाइज प्राइस को हम लोग सब चेक करेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ से लेना है। तो पहले मैं पूरा मार्केट घूमूंगा और उसके बाद खरीदूंगा। ये है मेन मार्केट, देखो यहाँ से शुरू होता है फूल वाला मार्केट। और गाइस बज रहे, कितने बज रहे समीर? मेरे साथ मेरा दोस्त भी है समीर, 6:45। तो 6:45 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पर तैयार नहीं मिलता है, तैयार ये सब माला ही मिलेगी, हार हार, लेकिन जीत कहीं और है। तो इधर है ना, इधर है ना, आगे अभी तो घुसे अपन। आओ अभी तुमको गुलाब दिखाते हैं, रंगीन फूल दिखाते हैं। ये देखो एकदम, अरे भाई जगह भी दे दो थोड़ी सी। अपने वाले फूल इधर क्या चल रहा है? क्या अभी क्या है कितने का भाई? 30 रुपए। 30 रुपए बोला कौन था? 30 रुपए कितना इसमें? बड़ा तीन तीन का, एक में 20 रुपए, एक दो तीन कलर है, देखो 30 रुपए बंडल। और गुलाब ये कैसे दे रहे? गुलाब कैसा दे रहे वाला? 150 रुपए किलो। हाँ खुला पाव। और ये 150 रुपए किलो है गाइस, एक दिन निकल गया इसका, समझ रहे ना? 30 रुपए, 150 रुपए किलो। ये भी 150 रुपए किलो। और ये गुलाब की बंडल? हाँ भाई 60 रुपए। अच्छा 60 रुपए, कितने इसमें? 20 फूल। रुको मैं जम्बो थली उठा लूँ पहले, फिर आ रहा हूँ। 50 में देंगे आप? ओके। तो देखो यहाँ पर भी गुलाब का पूरा, ये तो गुलाब का यहाँ पर बहुत भाई। छुट्टे कैसा दे रहे हो? 120 रुपए। ये है रंगीन गुलाब, ये कैसा दे रहे हो भाई? कैसा किलो? 240। और ये वाला भाई देख उधर पे भी है, उधर पे बड़े बड़े गुलाब, ये देख सामने पड़े हुए ना, जो 50। बोलो कितने गुलाब है भाई? 50 में 50 रुपए। कितने गुलाब है? 20 गुलाब भाई, 20। 20 गुलाब है। फाइनल कितने का? फाइनल 100। जस्ट पहुंचे हैं, ये देखो भाई कैसा दे रहे हो? 300-400 रुपए। गुलाबी गुलाब दिख रहे, जगा दे दो भाई। भाई ये कलर के हिसाब से अलग अलग है क्या? सेम है सबका प्राइस? 80 वाला भी है, लाल वाला 60। लाल वाला 60 है भाई। ये येलो वाला कैसा दिया? 80 रुपए। 80 इधर 60 रुपए। और ये पिंक वाला कलर में कौन सा मिला? 80 आएगा। अच्छा 60 रुपए। कैसा दे रहे हो? 50 रुपए। 60 वाला येलो वाला, पीला वाला, पीला वाला नहीं नहीं कितने का दिए? पीला वाला 50 रुपए ना, चलो ठीक है भाई। मैं आ रहा हूँ पीला वाला लेने के लिए, थोड़ा थैला देंगे। आ रहा हूँ समझा। यहाँ पर अपने को पीला गुलाब मिल रहा है 40 रुपए का।
पिछले दो साल से आने नहीं मिला यहाँ। अरे थैले वाला किधर है इधर पे? हाँ जम्बो थैला। मार्केट का रेट डाउन होते जाएगा जैसा जैसा कम होते जाएगा, तो सबसे पहले ये लेना जरूरी था मुझे। ये मुझे पोटलियाँ दाल डाल के इधर उधर घूमना नहीं है, अगर थैली हाथ में रहेंगी तो सामने वाले को भी लगेगा बोले हाँ खरीदने आया। ये वाला कैसे? ये वाला 160। और गुलाब? गुलाब 200 रुपए किलो, 160 रुपए किलो। 160 फुलझड़ी नहीं है क्या? पहले देख लेता हूँ, अगर नहीं जाना तो फिर यही चलेगा। फाइनल क्या बैठेगा दोस्त? फाइनल एकदम सब कुछ भी नहीं, मार्केट में सबसे सस्ता भी देखे तू ही दे रहे। सला पुड़े सला पुड़े सला। ये मार्केट आपको सुबह 4 बजे से वैसे 8 बजे तक रहती है, लेकिन माल 8 बजे तक रुकता नहीं है, खासकर आज के दिन। थोड़ा घूम फिर के जाना पड़ रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट 400 400। बाजू 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 फाइनल 400 400। क्वालिटी के हिसाब से प्राइस है, यहाँ पर देख लेता एक बार। 400 रुपये किलो। फिक्स रेट है 400 रुपये किलो। माल सही वजन सही, 1 किलो का 16 किलो 600 ग्राम आपको नहीं देने का। चीटिंग ये भी तो हो रही है, जो सस्ता देगा वो कैसा देगा? ऐसे बराबर 5 ग्राम भर देना। क्या देगा? कैसा दे रहा दोस्त? 80 रुपये लगाएगा। 80 रुपये लगाएगा। डरा दिया बेचते तो 50 रुपया बंडल 50। हाँ ये ठीक है ना? नहीं ना बंडल, ये भी अपने को कम में मिल रहा है। क्या देगा तू? 50 रुपया। अरे कितना लेगा उसको क्वांटिटी बताओ ना अपने पहले। 50 बंडल 50। नहीं कम करेगा बोलता? हैप्पी हो जी भाई, डिस्काउंट दे दो भाई। आज के दिन रेट हाई है भाई। चलो आओ देखो, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है टेम्पो खड़ी ना कचरे की, वो लास्ट एंड है वहाँ पर निकलते हैं। वहाँ हो सकता है देखो लास्ट लास्ट जगह पे ना सस्ता मिला, सस्ता सबसे पहले आप लोगों को ब्रिज के नीचे मिला है, यहाँ पर मुझे 40 के 30 मतलब हाँ कुंजड़ी का इधर भी प्राइस पूछा वो 400 रुपये किलो है। इसी प्राइस पूछना पड़ेगा, बहुत गर्दी है इधर पे तो सस्ता नहीं लगता है भाई। कुंजड़ी का क्या? हाँ भाई चलो भाई लोग 1 मिनट। फुलझड़ी 400 रुपया। चलो फिर आगे चलो। हाँ देखो इसके लिए मैं बोलता हूँ आगे तो मेरे को लगता है ना सिद्धू और महंगा भी है। ये देखो इधर पे भी ये गुलदस्ते सब बुफर 400 रुपया। गुलाब की पत्ती कैसा दी है? वो 3000। सही में कौन सी? वो वाली कैसा किलो? 800 रुपये किलो। किलो नहीं टोकरी वाला हिसाब किताब। हाँ वो तो है, कितने का? 800 रुपये। वो बताओ ये वाला ये लो टकले में। सुधु भाई टकले में ये चलेगा 5 5। कितना बोली हो? कितना ज़्यादा हो जाएगा इसमें डाल देंगे तो मोगरा नहीं उठा पाएंगे। वो मोगरा बोल रहा हूँ 400 रुपये किलो तो वो पड़ रहा है लड़ी। हाँ नहीं ले लेते हैं सर, मिक्स में ना हो जाएगा काम। समझ रहा, अच्छा क्वांटिटी भी दिख रहा है, समझ रहे। पूरा बोला टोकरी का हिसाब किताब है भाई। भाई को पसीने आ गए। 3000 रुपये पूरा ये पूरा वो पूरा वो पूरा 3000। आंटी इसका कितना देने का? आंटी एक ही बार बताओ ना आंटी, बताओ ना आप बताओ ना। 500 रुपये ले लो।
फिर क्या बोलेंगे अभी, बोलने का जो आप बोलो मौसी बगा ना तुम्हें। अरे आंटी बता पहले क्वांटिटी तो दिखा। है, है, है। ये देखो क्वांटिटी देख लो आप, 500 रुपया और ये 300 रुपया टोटल। छोटी टोकरी वो भी आधी, हाँ उसमें भरा भी नहीं, इसमें कैसा क्वांटिटी दिख के आ जाए ना। ये 600 में ले लो ये भाई, ये पटवड़े एक बार थोड़े तभी तो आए आपके पास। दो लाइन लाइन वाइट करो। चलो फाइनली डील डन हो गई हमारी। ये मेरा थैला, ये देखो ये आंटी ने हम लोग दिए फूल। टोकरी पलटी मारो ना आंटी। नहीं नहीं गिरेगा ना वो, क्या फायदा है। भाई यहाँ तो देखो यार, हाँ एक नंबर। तो यहाँ पर पहली डील डन हो गई है अपनी। कैसा लग रहा आपको पहली डील डन करके? मेरे को तो मतलब समझ जाओ, दो साल से तो मैं आया नहीं, लेकिन इस साल आने का मौका मिला और मौका मिला आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो आप बताओ कैसा लगा? अभी मैं मान लो तुम लोगों को रात के टाइम पे ये चीज़ बहुत अलग हो जाती है, इसलिए हम लोग ना थोड़ा नींद खराब करके आते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा भी फायदा हो और दूसरों का भी। चलो गाइस तो अभी एंड बता देते ना, एंड भी दिखा देता तुम लोगों को। आ जाओ सीधे एक मिक्स वाले, मिक्स फुल कैसा दिया भाई? 150 रुपये किलो। हाँ अच्छा ना, देखो यहाँ पर ना फ्रेश रहना चाहिए, फ्रेश राइस तो आपको महंगा सस्ता सब मिलेगा, लेकिन आपको देखने का कि आपके फूल फ्रेश है क्या। गाइस एंड तो अभी अपन लेंगे फूल जड़ी ना, शेजू वैसे लेते जैसे जम्बू लिए ना, जम्बू जैसे लिए ना उसके बाजू में जो 320 बताया, कितना बताया? 320 रुपये भाई, वो उसकी हो गई कहानी खत्म। मैं वहीं डील की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे चीज़ अच्छी मिल रही है, उधर पर मैं प्राइस छोड़ रहा हूँ ना, लेकिन जिधर मैं चीज़ अच्छी नहीं उधर मैं प्राइस में डिस्कस ही नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं, सबसे खुशबू बढ़ा देता बहुत। हाँ अभी हम लोग ने मार्केट तो घूम ली है, जो सबसे सस्ता देगा हमको जो चीज़ चाहिए उस हिसाब से जो सस्ता देगा वहाँ से लेंगे। जैसा ये मिला, ये अच्छा मिल गया, तू बता समीर कैसा? अच्छा 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 है, सही है। सिर्फ इतना गुलाब ना भाई, 2000 रुपये में भी नहीं मिलेगा अपने को सब ज्यादा। ये कितने का दे रहे हैं? कितने पाने? 80 रुपये में 100 पान। कम नहीं करेगा अंकल, कम नहीं करेगा? 60 रुपये देना, 60 रुपये दे दो, एक ठेके में डाल के दे दो। 20 रुपया छोटी गड्डी का, 20 रुपया ये तो ज़्यादा हो गया। अरे 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 ऐसी खड़े रहो सामने काटे भी बोलते हो और क्या फालतू की दी है यार, गिरा दिए तुमने, अभी दूसरे तो नहीं गिरेंगे यार। हमारे कांटे वाले घर से लगा है कि तुमको मेरा तो फोन पे भी हम भी इधर आते हैं। ये देखो है ना, तो ये वाली क्वालिटी थी जो अपने को चाहिए। कितना बोला था भाई? 80 रुपये किलो, बहुत महंगा। अभी तो कुछ और बोला था, नहीं नहीं ये नहीं था। अंदर से लेते, अंदर से फुलझड़ी 300। नहीं 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 भैया सूख गए, देख गली में ना फ्रेशनेस भी नहीं रही वो 400 400। इसका तो मज़ा मुझे आप लोगों को ना शेयर करना।
हाँ यही तो बोला मैं अकेले 100 रुपए का भी बोला अरे क्या हाँ बुला बुला बखल बखल खाली येलो है पिंक वाला इधर है पिंक नहीं है पीछे 60 रुपये नहीं जाओ। ये अलग है ये अलग है क्या देखिए तो ये कम दिख रहा है ज्यादा क्यों दिख रहा है फिर उसमें 20 है साहब कितने का देंगे बाबा बताओ ना कितना पैकेट लेंगे अपन ये का ये 10 है 20 है साहब नीचे ऊपर गुलाब ये दिख रहा है नीचे ऊपर गुलाब चालीस कितना पैकेट लेगा पहले पैकेट बताओ उनको इतना चाहिए इतने में दो ले लो भाई 40 हम लोग घूमे नहीं ना अपने जैसा मार्केट हम लोग घूमे ना हमको मालूम है नीचे ऊपर गुलाब ले लिया हूँ तो इसलिए गुलाब अवॉइड कर रहा हूँ फिर भी देखेंगे समझ में आ रहा उठा लेंगे यही ना बताओ इधर पैसा दे रहे भाई 120 अरे बाप रे देखो अंदर ही सही है ना फिर छुट्टा मिलेगा अभी अपन ने पीच कलर का ले लिए येल्लो हो गया और वो लेने का बाकी है उसको फुलझड़ी सब्जियाँ भी ले लेते ना भाई हाँ सब्जियाँ लेते ना भाई तो तीन कलर के गुलाब हो गए अपने येलो पीच और रेड और पत्तियां भी इतनी सारी रेड है सब्जा भी लेने का अभी सब्जा लेने का है और फुलझड़ी चलो चलो नेक्स्ट स्टेशन तो अभी अपना टारगेट है सब्जा बेगला वो खरीदने आए वापस जाना पड़ेगा सुबह हो रही ना अभी इसके लिए भाव बढ़ते हैं 10 का आगे भाव चल रहा है वापस जाना ये 12 रुपया बोल रहा है सीधू 12 रुपया बोल रहा है हाँ ना 10 रुपया वापस एक बार डील होता चलो चलो भरो मेरे को लेकिन 10 से ज़्यादा चाहिए ज़्यादा मंगता तो उसके पास मिलेगा ले लो उनसे 15 कर दो 15 मंगता ये बिडर 5 बंडल दे और 12
फूल जड़ी चाहिए तो, लेकिन बाकी बहुत महंगी है, सबसे ज्यादा महंगी वही दिख रही है। इसके लिए तो जितना पैसा बचेगा उस हिसाब से। मैं तो बोलता हूँ फूल जड़ी को अवॉइड करके मोगरे की थैली डाल देते हैं। सेम प्राइस है ना भाई, 400 चल रहा है। हाँ 400 चल रहा ना, तो फूल जड़ी दिखती है फिर अच्छी। हाँ इधर पे बाजू में, इसके बाजू में। हाँ यही था, सूखा सूखा था ना भाई। अब तो क्या नीचे से हाथ मार के उठाएगी ना, अल्टी पल्टी मारे ऊपर था, सूख गया था। देखो काटेगी 300 400 वही दुकान पे 320 बोले तो थे अभी, पूछ के गए थे 320 बोले थे ना कल आपने। अरे यही तो है, ये दूसरा माल लगा दो 320 दे दो। यही कितना लेगे, 1 किलो लेगे ना? लाल गोंडा 60 रुपये ले सकते। चलो ठीक है, ये भी होता है इधर पे, वांदा नहीं। अपन जस्ट मिस करते हुए निकलते हैं, कोई बात नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बैठ लगा अपना 350 है ना, वो थोड़ा नदम था, थोड़ा गहरा लगे एकदम नहीं थे, कल वाला माल निकाल दिया। मेरी चली गई थोड़ी, लेकिन 400 रुपये में समय मिल रही है अपने को। अंकल 1 किलो वजन कर दो ज़्यादा। ₹400 किलो, ₹400 किलो, भाव में 1 रुपए का गुजरात नहीं, हमारे पास माप सही मिलेगा, इतना गारंटी। 1 किलो जब वो वजन किए ना, तो पहले 1 किलो 15 ग्राम दे रहे थे। अब 1.5 किलो ये 1.5 किलो करेगा तो जो 1.5 किलो के 10 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया। हेलो, अब मैं लेने वाला एक्स्ट्रा चीज जो कि मुझे पसंद आई थी, प्राइस भी सही था, तो आओ जरा यहाँ पर मिक्स कर लो। क्या भाव बोले थे भाई? 1 किलो ले लो, ये भी इसमें ले, थोड़ा मिक्स। लाल नहीं चाहिए ना अपने को, उसमें से। हाँ उसमें से दे, थोड़े लाल कम डालना दोस्त, बुला भाई हम लोग के पास। लाल वाला बहुत सारा हो गया, उसमें लाल कम है। दिखा था वजन में कितना आ रहा है 1 किलो में। और ये वो ऊपर भी पीछे पूरा एकदम है, जो फ्रेश का जो बच गया वो दूसरे दिन यहाँ पर मिक्स बुला। वापस रखो भाई, बंद करके रखता है, मालूम है इधर बहुत लोग आते हैं जेब में हाथ डालने को, कनपट्टा देने का पकड़े। ये एक काम करना, ₹130 किलो उड़ के जा रही है। सिर्फ डोले तो बताते थे, हाँ डोले शोले तो बता, कहाँ बचे भाई, खत्म हो गए। अब पानी उतर गया पूरा। मैं सोच रहा हूँ मोगरा उठा ही लूँ, वो 100 रुपये वाला पोटला है ना, जो 1-2 पोटला वो उठा लूँ, क्योंकि जो फुलझड़ी है ना ये कम दिख रही है पत्तों के सामने। इधर वीड़ा कर दिए पब्लिक धक्का मार मार के, बेटी उठा गए ना। हाँ तो मैंने पहले सोचा था बंद वाले मोगरे जो एकदम छोटी छोटी कली रहती ना वो लूंगा, लेकिन ये मिल गया मुझे मेरे हिसाब का, तो ये वाला मोगरा ले रहा हूँ मैं फाइनल, क्योंकि मुझे व्हाइट का कलर ना कम लग रहा था। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। चले चलो चले,
तो गाइस फाइनली हो गया हम लोगों का जो जो चाहिए था वो मिल गया, इवन एक्स्ट्रा मिल गया। और मेरे खर्चे मेरे बजट के अंदर हुए, मैंने 2000 लेकर आया था, उसके बाद भी मेरे पास पैसे बच गए हैं और मैंने बहुत ही अच्छा वाला फ्रेश वाला फूल लिया हूँ। और समझ रहे हो ना, ये चीज़ मैं वहाँ नहीं ले सकता, वहाँ तो 100 रुपये की छतर में भी 4-5 फूल रहते हैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस बन गया ये। इसके वजह से मेरा इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म हो गया कि कब्रिस्तान के यहाँ से नहीं लेता हूँ मैं। मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि सुबह सुबह जल्दी उठ के यहाँ आऊँ और अपने हिसाब के फूल लेके जाऊँ। कैसा लगा ये सफ़र ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आ रहेगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि दादर मुंबई में दादर स्टेशन के वेस्ट साइड में स्टेशन से लग के ही ये मार्केट है। तो आइए और अपने हिसाब से बार्गेन करके लीजिए। गाइस जब आता है टाइम यहाँ से अलविदा लेने का, और मज़ा आया रहेगा आप लोगों को, क्योंकि ये मार्केट मैंने अभी तक शेयर किया नहीं और बहुत ही कम लोगों ने शेयर किया है, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। पिछले 2 साल से मैंने यहाँ वाला था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, और इस बार मौका मिला है तो मैंने पूरे मौके का फायदा उठाया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो अगर ये काम की चीज़ लगी रहेगी तो बिल्कुल शेयर करना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।